आज बच्चों ने डिमांड की कि मम्मा कुछ बाजार जैसा चटपटा सा खाने का मन हो रहा है, शाम का समय है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना दो। और सभी का बहुत तेज मन था कि कुछ अच्छा सा खाया जाए, तो मैंने बना दिए फटाफट वाले, एकदम तुरंत बनने वाले हनी चिली पटैटो। एकदम बाजार वाली रेसिपी है, टेस्ट करके आपको मज़ा आ जाएगा। आप एक बार बना के देखेंगे, देखिए इसका टेक्सचर एकदम बाजार की तरह। हम बनाएंगे वही रेस्टोरेंट, वही ढाबे वाला, वही गली नुक्कड़ वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं हनी चिली पटैटो को मैं कैसे चुटकियों में बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपाली किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो आलू अभी मार्केट में आ रहे हैं, नए से आलू हैं, लंबे लंबे आलू लिए थे मैंने, और इनको मैंने इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया है। अब बहुत लोगों को ये शेप काटने में दिक्कत आती है, तो चलिए मैं एक आलू आपको काट के दिखा देती हूँ। मैंने आलू काटने के बाद सारे आलू को पानी में डाल के रख दिया था, तो दोनों एजेस को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, गोल पार्ट को निकाल लिया है, ताकि हमारा आलू आराम से खड़ा हो सके, इस तरीके से, देखा आपने। और उसके बाद इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्लाइसेस काट लेने हैं आलू के आराम से। क्या होता है ना, नाइफ पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा नाइफ आप अच्छे से लेंगे, अच्छे से काटेंगे, तो ये लंबे जो स्लाइसेस हैं बस इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से काट लीजिए, फ्राइज़ के शेप और जितना आपको मोटा पतला रखना है। और जो हनी चिली पटैटोज़ होते हैं उसके आलू फ्राइज़ से थोड़े से मोटे होते हैं और फ्राइज़ थोड़े से पतले होते हैं। क्या होता है, हनी चिली पटैटो को जब आप ग्रेवी में वो करते हैं ना, तो सौगी से हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको आप मोटे रखिएगा, ताकि ये आपके एकदम मैशी सा ना हो हनी चिली पटैटो। उसी तरीके से मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च टूटी फूटी सी पड़ी हुई थी मेरे पास, अब सडनली कुछ डिमांड आती है बच्चों की, तो जो पड़ा होता है उसी से हमें तैयार करना होता है। तो मैंने इस शिमला मिर्च को एकदम स्लाइसिस में काट लिया है, पतली पतली सी, और एक प्याज ली है छोटी सी, उसको भी मैं एकदम स्लाइसिस में, पतला पतला स्लाइसिस काट लूँगी। इसके अलावा आपके पास जो भी सब्जियाँ आप पसंद करते हैं, वैसे तो हनी चिली पटैटो में ज़्यादा सब्जियां नहीं जाती हैं, थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी ऑनियन और ग्रीन ऑनियन, इतना ही ज़रूरत होती है। और मैंने यहाँ पे हनी चिली पटैटो है, चिली है, तो मैंने यहाँ पर चिली सॉस कम डालूंगी मैं यहाँ पर। और मैंने ग्रीन चिलीज़ को इस तरीके से स्लिट कर लिया है, हल्का हल्का सा छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और इसके बाद ही हमारी ये तैयारी सारी हो चुकी है। अब हम लेते हैं हमारे आलू जो होते हैं फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। मैंने आधी कटोरी ली है मैदा और साथ ही मैं आधी कटोरी ली है कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से हमने थोड़ा सा नमक डालने के बाद पानी डाल के अच्छी सी घोल बना लेना है, गाढ़ा सा घोल बनाना है, और घोल बहुत पतला नहीं रहेंगे रखेंगे हम गाढ़ा ही रखेंगे, ताकि हमारे आलू के ऊपर एक मोटी सी कोटिंग हो सके, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, अदरवाइज़ वो खाने में बहुत बेकार लगती है, इतनी कि हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, थोड़े थोड़े आलू भी हमें दिखने चाहिए कोटिंग के अंदर से, इतनी हमें कोटिंग रखनी है। तो मैंने एक पतला सा स्लरी बना लिया है, घोल बना लिया है, इसमें मैं आलूओं को डिप कर रही हूँ इस तरीके से, जैसे हम पकौड़े के लिए आलू डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो एक एक आलू को डिप करके कढ़ाई में डाल सकते हैं, मैं इकट्ठा सारा कोट कर ले रही हूँ। और अभी ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, तो मैं एक से दो चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर इसमें और डाल के एकदम गाढ़ा कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली आलू के ऊपर कैसी कोटिंग होनी चाहिए। तो ये देखिए आलू के ऊपर इतनी मोटी सी कोटिंग आपको दिख रही है ना, ऐसी कोटिंग होना चाहिए, आलू भी नज़र आ रहे हैं और साथ में हल्की हल्की कोटिंग भी है। इससे क्या होता है ना, जब आप हनी चिली पटैटो बनाते हैं तो आपके आलू खाने में एकदम बाहर की तरह क्रिस्पी भी होते हैं, बहुत देर तक क्रिस्पी होते हैं, और साथ में ना बहुत मज़ेदार होते हैं, आलू मैश बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से एक बार के में कढ़ाई में जितने आ जाएं उतना ही आप गरम, एकदम गरम तेल में डालिएगा, और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छे से एकदम कलर आने तक फ्राई करना है, और काफ़ी क्रिस्पी हो जाए, रेड हो जाए, तब आपको इसे निकालना है। तो ये देखिए आलू आप देख सकते हैं, हल्की हल्की कोटिंग है, हल्के हल्के आलू भी दिख रहे हैं। इस तरीके की कोटिंग अगर आप करेंगे तो आपके फ्राइज़ जो हैं बिल्कुल बाहर की तरह बनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, और बिलीव मी ये इतने क्रिस्पी हैं कि तलते ही तलते बच्चों ने आधा बैच तो खा ही लिया था। तो फिर मैंने फिर से दोबारा से फ्राई किए हैं इनको, तो ये मैं निकाल लेती हूँ एक जाली में, आपको जाली में निकालना है, प्लेट में नहीं निकालिएगा, जाली में कोशिश करिएगा कि इस तरीके की ओपन जाली में आप रखेंगे तो ये सौगी नहीं होंगे और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार सी हमारे फ्राइज़ बनके तैयार हैं,
अब मैंने इसी पैन में थोड़ा सा तेल लिया है 2 चम्मच और इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। चलिए तो अब हनी चिली पोटैटो बनाने की तैयारी में हमने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, एकदम फाइनली चॉप करके आप डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट ना बिल्कुल मार्केट की तरह आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अब दोनों अच्छे से भुन चुके हैं जिंजर गार्लिक, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिलीज़, और चिलीज़ डालने के बाद जो वेजीज हमने काट के रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इन वेजीज़ को डालने के बाद गैस की फ्लेम को आपको हाई रखना है, हमें सब्जियों की क्रंचीनेस को ख़त्म नहीं करना है याद रखिएगा। तो आपको एकदम हाई फ्लेम पर लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में हाई फ्लेम पर आपको इसे भूनना है जब तक कि सब्जियां थोड़ा सा प्याज जो है हमारा हल्का सा कलर चेंज ना होने लगे, सब्जियां हल्की सी क्रिस्पी भी रहें और पक भी जाएं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच, आप भर के डाल सकते हैं, सेजवान सॉस। मैं ज़्यादा तीखा नहीं कर रही हूँ बच्चों के कारण। और इसके बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, डार्क सोया सॉस। 1/2 चम्मच से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा सॉसेस आप कर सकते हैं, टेस्ट करने के बाद आप इसमें और सॉसेस बढ़ा सकते हो। 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ केचप, और यहाँ पर रेड चिली सॉस हो तो आप वो भी डाल सकते हो। चूंकि मैंने सेजवान सॉस डाल दिया है इसलिए मैं इसमें कम ही ऐड करूँगी। बढ़िया सा मिक्स करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया सा टेक्स्चर आ गया ना। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 1/2 कटोरी के करीब पानी, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम लोग, इतना डालेंगे कि आलू के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए और एक गाढ़ा सा आलू के साथ कोटिंग हो जाए इसकी। तो बस ये अभी थोड़ा सा मुझे और पतला करना है, तो मैंने 2 चम्मच के करीब पानी और डाला है क्योंकि हमारे फ्राइज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इतना आप देखिए इतने सारी फ्राइज़ में, और यहाँ पर हमें डालना है स्लरी कॉर्नफ्लो को, 1 चम्मच कॉर्नफ्लो को आपको 2 चम्मच पानी में घोलकर, 1/2 कटोरी पानी में घोलकर स्लरी बना लेना है और थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि इसका टेक्सचर गाढ़ा हो जाए। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, इतना कि आपकी ये आलू के ऊपर कोटिंग अच्छे से हो जाए। लगभग देखिए मैंने 1/2 से 1 चम्मच पानी कोटिंग डाला है इसमें, स्लरी के लिए डाली है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बॉयल आ गया है। तब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। स्लरी डालने के बाद जो होता है ना इसका टेक्सचर सेट आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आपको कितना गाढ़ा करना है, और इसके बाद ही ये सारे फ्राइज़ मैं इसमें डाल रही हूँ। चूँकि नमक हमने घोल में भी डाला था फ्राइज़ के घोल में, इसलिए नमक हमें सॉस के अकॉर्डिंग फ्राइज़ के अकॉर्डिंग डालना है स्वाद के अनुसार, और इसे बहुत प्यार से मिक्स करेंगे। देखिए कितने मज़ेदार से हमारे बन रहे हैं ना, एकदम टेस्टी, बाजार से भी अच्छे, रेस्टोरेंट से भी अच्छे हनी चिली पोटैटोज़ बन के घर पे तैयार होते हैं, और इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं कि बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो या इवनिंग स्नैक्स में पार्टी टाइम बना सकते हो आप इसे। कितने प्यारे बाजार से भी अच्छे बन के तैयार हुए हमारे, बहुत अमेजिंग खुशबू आ रही है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चॉप किया हुआ धनिया, और इसमें आप गार्लिक और जिंजर जरूर डालिएगा। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर देना, बट जिंजर जरूर डालिएगा, और जिंजर के जो छोटे छोटे पीसेस मुंह में आते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बढ़िया से हमारा प्याज आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है, कलरफुल सा, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सफ़ेद तिल को और स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसके साथ ही इसे अच्छे से आपको एकदम हाई फ्लेम पर भूनना है, तुरंत ही आपको बंद नहीं कर देना है। सॉसेस जो है हमारे आलू फ्राइज़ के अंदर अच्छे से टेस्ट आ जाना चाहिए, तो आपको लगभग हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लेना है 1 मिनट के लिए। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें हनी, तो 2 चम्मच मैं इसमें हनी डाल रही हूँ क्योंकि हनी चिली पोटैटो है, तो हल्का सा स्वीट, हल्का सा तीखा, सारा फ्लेवर इसमें आना चाहिए, तभी तो इसको एकदम बाजार और ठेले वाला टेस्ट आएगा। तो बढ़िया से हमने इसको हनी डालने के बाद मिक्स करना है इस तरीके से, और गैस की फ्लेम को अब हमें बंद कर देना है। और देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर, एक एक हमारा फ्राइज़ कितना खिला हुआ है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आप बहुत देर तक रखे रहेंगे ना तो भी ये इतने क्रिस्पी बने रहेंगे, बिल्कुल भी सॉगी या मैशी से नहीं होंगे। तो फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं इस तरीके से, और बहुत टेस्टी हमारे हनी चिली पोटैटोज़ बनके तैयार हुए हैं। आप इसे पार्टी के टाइम पे दीजिए, मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया इसे खाकर। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार जाके चैनल पे विज़िट करके रेसिपीज़ को इंजॉय करिएगा। लगभग 400 से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके लिए मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको गार्निश कर रही हूँ मैं हल्के से
ग्रीन ऑनियन के साथ, और इसके साथ ही मैं ऊपर से इसमें तिल डाल रही हूँ ताकि ये लुक वाइज भी और अट्रैक्टिव हो जाए। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से सर्व करते हैं, बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है। तो बहुत खुश हो गए थे बच्चे, और आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इतने टेस्टी, आप पास से देखिए, एकदम है ना ग्लॉसी से, शाइनी से, बिल्कुल ठेले वाले हनी चिली पोटैटोज़। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट।